नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेडटॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। फिजिकल डिस्टेंसिंग कितनी होनी चाहिए? 3 फीट, 6 फीट, 9 फीट, 13 फीट, है ना कन्फ्यूजन आप सब लोगों को? आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। नॉर्मली 3 फीट सफिशेंट है अगर आदमी नॉर्मल बातें कर रहा है। वील प्रज्यूम कि उसका जो साइज माइक्रोन का है वो 5 माइक्रोन से ज़्यादा होगा, जिसे ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, उसमें 3 फीट सफिशेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई गा रहा है, चिल्ला रहा है, वाइब्रेटरी साउंड महाप्राण का इस्तेमाल कर रहा है, तो माइक्रो ड्रॉपलेट्स बनेंगे। माइक्रो ड्रॉपलेट 6 फीट तक जा सकते हैं। सो आइडियली हमेशा हम बोलते हैं 6 फीट की डिस्टेंसिंग रखिए, क्योंकि उसमें मैक्रो ड्रॉपलेट्स और माइक्रो ड्रॉपलेट्स दोनों कवर हो जाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल में 13 फीट है, क्योंकि हॉस्पिटल में एरोसोलाइज्ड प्रोसीजर्स होते हैं, कहीं ना कहीं पे एरोसोल का प्रोड्यूशन हो रहा होगा, वहां पे मेरे को 13 फीट का डिस्टेंस चाहिए। लेकिन इन्फेक्शन मेरे को बढ़ने की बहुत उम्मीद है अगर मैंने 13 फीट का डिस्टेंसिंग नहीं किया, या फिर उस हॉस्पिटल के अंदर में AII रूम, एयरबॉर्न आइसोलेशन इन्फेक्शन रूम है, तब बात अलग है, या फिर वहाँ पे जगह जगह एयर फिल्टर लगे हुए हैं विद इन एक्सचेंज ऑफ 12 एक्सचेंजेस पर आवर, नहीं तो वहाँ पे 13 फीट के अंदर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और ये 13 फीट वाली 4 मीटर की जो पब्लिकेशन है वो अप्रैल 10 एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस जर्नल के अंदर में छपी है। अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो 6 फीट का डिस्टेंस रखिए, लेकिन अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो 9 फीट का डिस्टेंसिंग रखिए। याद रखिए, इस वक्त में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और वो आप कर नहीं पाएंगे भारत के अंदर में, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डबल प्रोटेक्शन करिए मास्किंग एंड फेस शील्डिंग के साथ में। नमस्कार।